बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का फिनाले 14 अगस्त को है और इससे पहले ही शो में डबल एलिमिनेशन होने वाला है। इस हफ्ते 4 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड थे। इनमें जिया शंकर, मनीषा रानी, बेबी का धुर्वे और जद हदीद का नाम शुमार था, लेकिन वोटों की कमी के कारण इन चारों में से 2 लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। मेकर्स ने 6 अगस्त को आने वाले एपिसोड रविवार का वार का प्रोमो रिलीज किया है। प्रोमो में सलमान खान नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट का नाम लेते हैं और फिर बताते हैं कि उनमें से 2 कंटेस्टेंट वोटों की कमी के कारण बेघर हो रहे हैं। अब ये 2 कंटेस्टेंट कौन होंगे कुछ देर में पता लग जाएगा, पर चर्चा है कि जद हदीद और अविनाश सचदेव बेघर हो चुके हैं। अविनाश सचदेव और जद हदीद के बेघर होते ही बिग बॉस ओटीटी 2 को टॉप 6 मिल चुके हैं। ये हैं एल्विस यादव, अभिषेक मल्हान, मनीषा रानी, पूजा भट्ट, जिया शंकर और बेबिका धुर्वे। हालांकि फिनाले से पहले इनमें से एक और कंटेस्टेंट बेघर होगा। वोटिंग ट्रेंड्स में भी सबसे कम वोट अविनाश सचदेव और जद हदीद को मिले थे। ऐसे में अगर ये दोनों बेघर हो जाते हैं तो आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि अभी डबल एलिमिनेशन के रूप में अविनाश सचदेव और जद हदीद के नाम की पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि बिग बॉस ओटीटी के फिनाले के नजदीक आने से लोगों ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया है कि टॉप 3 में कौन कौन होगा और ट्रॉफी के लिए किसके बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। कहा तो ये भी जा रहा है कि टॉप 2 में एल्विश और अभिषेक होंगे और तीसरे नंबर पर कोई और नहीं बल्कि मनीषा रानी या फिर जिया शंकर हो सकती हैं। वेल, अगर आप भी इस बार का बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 फॉलो कर रही हैं तो आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस बार का विनर कौन होने वाला है। और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।